मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अगर छोटी आंत में छेद हो जाए तो क्या होता है? अगर हमारी आंतों में किसी कारण की वजह से छेद हो जाता है तो क्या वो व्यक्ति जीवित रहता है या फिर वो व्यक्ति मर जाता है? उसके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और ये अगर छेद हो जाता है तो किस कारण की वजह से ऐसा हो जाता है, इस चीजों को आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि छोटी आंत में छेद किस लिए होती है और अगर हो जाती है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी छोटी आंत में छेद है और इसका उपाय क्या है। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन। अब इसका मतलब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत। छोटी आंत कहां पे पाई जाती है? मनुष्य के बॉडी में पाई जाती है, लड़का हो या लड़की हो दोनों की बॉडी में छोटी आंत पाई जाती है। और वो कहां पे होती है? ये हो गया हमारा फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं और हिंदी में हम इसको आहार नली बोलते हैं। जब हम खाते हैं तो खाना हमारे इस आहार नली से मतलब ईसोफेगस से आता है और यहां पे पेट में जमा होता है। पेट में फिर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या होता है, इसमें खाने का थोड़ा सा डाइजेशन होता है। उसके बाद ये छोटी आंत का स्टार्टिंग है, ठीक है? ये यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गई, ये यहाँ से फिर ये बीच वाली जो है इसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बाहर वाली है इसको हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे होता है लीवर और ये जो ग्रीन कलर का है, ये जो हरा कलर का है, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत यहाँ पे है। अब छोटी आंत में भी तीन पार्ट होते हैं। अब वो तीन पार्ट कौन से हैं? एक स्टमक के जस्ट खत्म होते ही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो मुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं ड्यूडनम। क्या बोलते हैं हम? ड्यूडनम, DUODENUM, ड्यूडनम, ठीक है? जो बीच वाला होता है यानी कि बीच वाला जो पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? जेजुनम, JEJUNUM, ठीक है? और सबसे लास्ट वाला होता है, इसको हम बोलते हैं ईलियम, ILEUM। तो इसमें तीन पार्ट होता है, मतलब छोटी आंत को अगर हम बांटें तो स्टार्टिंग में इसको हम ड्यूडनम बोलते हैं, बीच वाले को हम जेजुनम बोलते हैं और सबसे लास्ट वाले को हम ईलियम बोलते हैं। मतलब ड्यूडनम, जेजुनम, ईलियम, ठीक है? तो छेद ज्यादातर कहाँ पे होता है? ज्यादातर इलियम में होता है, मतलब सबसे नीचे वाले पोर्शन में होता है। लेकिन हमें याद रखना है कि छोटी आंत में छेद कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस कहाँ पे होते हैं छेद होने की? इलियम में होते हैं। तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद होना को हम क्या बोलते हैं? मतलब परफोरेशन, मतलब होल होना, छेद हो जाना, तो हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन। ये एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम किस कारण की वजह से होती है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। पहला कारण क्या है? पहला है ड्यूडनल अल्सर। अगर यहाँ पे अल्सर हो जाए, ठीक है, ड्यूडनम में अगर अल्सर हो जाए, ड्यूडनम यहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडनम, तो अगर उसमें अल्सर हो जाए, अब अल्सर का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि मुंह में हमारे छाला होता है तो यहाँ पे लिप्स के अंदर में व्हाइट व्हाइट हो जाता है पैचेस। अगर ये आपकी लिप्स है तो इसके यहां पे अंदर में व्हाइट सा हो जाता है, ठीक है? अगर कभी ब्रश आप करते हैं तो ब्रश से अगर लग जाता है आपके होंठ में तो वहां पे क्या होता है, व्हाइट कलर का गोल सा पैचेज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। तो ड्यूडनम में अगर वैसा अल्सर हो जाए, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर होल हो जाएगा अल्सर के कारण, ठीक है? दूसरा क्या है, ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी क्या है? एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि आपके बॉडी में गड़बड़ी है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, या फिर अगर उनको लगता है कि आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, आपके पेट में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, वो एक एंडोस्कोप, जो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा होता है, एकदम पतला सा होता है, और उस एंडोस्कोप की मदद से आपके बॉडी में ये ट्यूब लगाया जाता है, अंदर डाला जाता है, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर का पूरा पार्ट दिखता है कि कहां पे डैमेज है, कहां पे खराबी है, और तब
जा करके वो एक पूरी तरह से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम है भी या फिर नहीं है। तो एंडोस्कोप की मदद से ऐसा होता है। और जब ये प्रोसीजर होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एंडोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि एंडोस्कोप की मदद से ये प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस की जा रही है। तो क्या होगा, अगर इस टाइम में इस एंडोस्कोप से थोड़ा सा भी अगर चोट लग जाए आपकी छोटी आंत में, तो वहां पे फिर होल बनने की जो संभावना होगी वो हो सकती है। और यह एक बहुत कॉमन कारण होता है जिसकी वजह से छोटी आंत में फिर होल हो जाती है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा है ड्यूरिंग ईआरसीपी। अब ईआरसीपी का मतलब क्या होता है, ईआरसीपी का मतलब होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंगियो पैनक्रियोटोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर लीवर से जो नली यहाँ पे छोटी आंत में आती है, लीवर से एक पतली सी नली आती है और फिर पैनक्रिया से भी आती है, ये जो लाल वाली है, रेड वाली है, उसको हम बोलते हैं पैनक्रिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको रेड कलर से किया है। तो उससे भी एक छोटी सी पतली सी नली निकलती है। अब इस नली का काम क्या है, ये पैनक्रिया से जो भी जूस निकला और ये लीवर से जो बाइल जूस निकला, दोनों मिक्स होकर के दोनों अपने अपने छोटे से नली से यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब स्टमक के या पेट के खत्म होते ही जो छोटी आंत का शुरुआती है ये वाला, जिसको हम ड्यूडनम बोलते हैं, उसको आकर के उसमें आकर के ये दोनों नली क्या करती है, लीवर से छोटी सी और पैनक्रियास से छोटी सी आकर के मिल जाती है ड्यूडनम में। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर इससे निकली हुई नली में कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो हम एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंगियो पैनक्रियोटोग्राफी की मदद से हम उसको चेक करते हैं कि क्या इस नली में, क्या लीवर से निकली हुई छोटी छोटी नली में कोई प्रॉब्लम है, क्या पैनक्रिया से निकली हुई छोटी छोटी नली में कोई प्रॉब्लम है, और इस नली की प्रॉब्लम को हम किस प्रोसेस के माध्यम से देखते हैं, तो ईआरसीपी के माध्यम से हम इस प्रोसेस को करते हैं और इस डिजीज को, या फिर अगर कह लीजिए कि अगर वो जो नली है उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम चेक करते हैं ईआरसीपी की मदद से, ठीक है, इस प्रोसेस की मदद से। अब चौथा क्या है, अब इसके कारण क्यों हुई, अगर यहां पे मैंने आपको बता दिया कि एंडोस्कोप की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, यहां भी यही बात है कि अगर एंडोस्कोप की मदद से यहां पे देखा जा रहा है, तो हो सकता है कि वहां पे उससे चोट लग जाए, हो सकता है कि वहां पे इंजरी हो जाए, मतलब वहां पे चोट लग जाए, हो सकता है कि यहां से चेक करते करते यहां का जो हो उसमें होल हो जाए थोड़ा सा, और फिर वो अल्सर में कन्वर्ट हो और फिर वो पूरी तरह से उसमें होल हो जाए बड़ा सा, और फिर टाइम के साथ वो फिर बड़ा होने लगे, तो ऐसी संभावना बनी रहती है। इसके बाद चौथा कारण क्या है, इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो गया हो छोटी आंत में, तब भी होल हो जाती है। अब इन्फेक्शन कौन सी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर साइटोमेगालोवायरस का अगर इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी छोटी आंत में होल हो जाती है, छेद हो जाता है। साइटोमेगालोवायरस वायरस का एक प्रकार है, आपको इसका नाम याद करना पड़ेगा। अब पांचवा कारण क्या है, क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है कि आंतों में सूजन हो जाती है। अगर यहां पे प्रॉब्लम है, अगर छोटी आंत या फिर बड़ी आंत में सूजन होती है, तो चांसेस होते हैं कि आंतों में छेद हो जाए या फिर होल हो जाए। तो यहां पे यही प्रॉब्लम है कि क्रोन्स डिजीज में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, कहां पे, बॉवेल में। और बॉवेल हम किसको बोलते हैं, हम इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं आंत को, या फिर हम बॉवेल भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग क्या होती है, BOWEL, या तो हम इंटेस्टाइन बोल दें या फिर हम इसको बॉवेल बोल दें, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। उसके बाद क्या है, स्कीमिया। अब स्कीमिया की अगर प्रॉब्लम हो, इसका मतलब क्या है, स्कीमिया का मतलब होता है कि अगर छोटी आंत तक खून सही से नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से वहां पे छेद हो जाएगा। स्कीमिया का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो क्या होता है, जो हार्ट हमारा पंप करता है ब्लड, वो पूरे बॉडी को जाता है, और अगर किसी कारण की वजह से ब्लॉक हो जाए कोई नस, या फिर अगर यहां तक का कोई वेन आता है, कोई आर्टरी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर वेन है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड बहती है, अगर आर्टरी है तो उसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है। तो अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए और किसी तरह छोटी आंत को अगर ब्लड नहीं सप्लाई हो, तो उस टाइम में भी क्या होगा, वहां पे होल हो जाएगी। और जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम को हम स्कीमिया बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है, ISCHEMIA, आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंजरी फ्रॉम रेडिएशन थेरेपी। मान लीजिए कि किसी को कैंसर है, किसी को
कुछ और प्रॉब्लम है जिसमें उनको रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है, मतलब एक्सरेज उनके बॉडी से पास हो रहा है, ठीक है। उस किरणों की वजह से क्या होगा, उस किरण की वजह से छोटी आंत में होल हो सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद कारण क्या है, कारण है कैंसर। अगर छोटी आंत में कैंसर हो जाए तो यहाँ पे होल बनने की संभावना बहुत ज्यादा ही बन जाती है। इसके बाद क्या है, सॉलिड फॉरेन बॉडीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपने कोई ऐसी चीजों को खाया है जिसमें पहले से ही वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो, जो आपका बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम उससे नहीं लड़ पाता है, तो उस टाइम में वो आपके बॉडी में आकर के आपके बॉडी को ही नुकसान पहुंचाता है। उस टाइम में अगर इन्फेक्शन हो गया छोटी आंत में तो वहां पे होल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अगर छोटी आंत में छेद हो जाए तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको कैसा फील होगा, तो पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे कि लक्षण को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं। मेडिकल टर्म में लक्षण को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण आपको क्या आएगा, अगर आपकी छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद है, मतलब क्या है, मतलब परफोरेशन है, तब स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन है, तब क्या क्या लक्षण या फिर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे इसके। पहला क्या है, एब्डोमिनल पेन। देखिए यहां पे अगर छेद है छोटी आंत में कहीं पे भी तो पेट में आपको दर्द महसूस होगा। एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है, अब एब्डोमन किसको बोलते हैं, ये अगर मान लीजिए कि आपका पेट है, ये नाभि है, ये पैर है आपका, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे लंग्स होती है, ठीक है। अब ये हो गई लंग्स, अब लंग्स के जस्ट नीचे एक इस तरह का कुछ पतला सा मेम्ब्रेन होता है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। अब यहाँ से यहाँ तक का जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्डोमन। अब इस वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं एब्डोमन या फिर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा, यहाँ पे आपको कहीं पे भी दर्द महसूस हो सकता है। इसके बाद क्या है, टेंडरनेस टू पाल्पेशन। अगर आपको इस वाले पोर्शन पे अगर डॉक्टर टच करेंगे तो क्या होगा, तो जहाँ पे भी मतलब अगर छोटी आंत यहाँ पे है तो यहाँ पे हल्का हल्का सा जब वो दबाएंगे तो उनको ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होगा, ज़्यादा उनको मुलायम फील होगा, और आपको दर्द भी होगा जब वो दबाएंगे आपके पेट के पास, आपके इस वाले एरिया में, तो ठीक है। क्या होगा, डिस्टेंशन हो सकता है कि पेट आगे की तरफ बहुत ज़्यादा निकल जाए। इसके अलावा क्या होगा कि टाइट भी रह सकता है पेट का ये वाला पोर्शन, फीवर बुखार लग सकता है और टैकीकार्डिया हो सकता है। इसका मतलब है कि जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो दिल की धड़कने हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होंगी जब ऐसा होगा तब, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो गई है। अब देखिए जब भी आप यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखते हैं या फिर जब भी आप कोई भी टॉपिक को लिखते हैं तो कोशिश करें कि आप उसका डायग्राम बनाए ताकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। अगर आपको बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो आपको इस तरह पूरा ड्रॉ करना होगा, उसके बाद आपको पूरा नेमिंग करना है, इस तरह लीवर है, ये स्टमक है, ये इसोफेगस है। डिटेल में आपको नेमिंग नहीं करनी है, डिटेल में आपको नेमिंग किसकी करनी है, जहां पे प्रॉब्लम है। अगर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट जो होते हैं उसको हम अच्छे से यहां पे लिखेंगे, जैसे कि ये होगा ड्यूडनम, ये हो गया हमारा जेजुनम, ठीक है, और लास्ट वाला हो गया हमारा इलियम। तो इस तरह हम बता सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा आगे में आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिख करके शुरुआत आपको करनी है, उसके बाद आपको ये टॉपिक को डिफाइन करना है, उसके बाद जिस तरह मैं आपको बताई पॉइंट वाइज कि क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, ये सभी को आपको लिखना है और बहुत जल्दी जल्दी लिखना है। कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट में लिखें, अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो कॉपी देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, लक्षण भी आ रहे हैं, तो क्या-क्या टेस्ट होंगे। अब आपके साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन सभी टेस्ट को साथ में क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम उसको बोलते हैं। अब पहला टेस्ट कौन सा है, पहला क्या है, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में क्या होता है, हम बॉडी का चेकअप करते हैं कि अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो कहां है और ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी ज्यादा गंभीर है, ठीक है। दूसरा क्या है, जीआई स्टडी विद वाटर। इसका मतलब क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी। अब जीआई का फुल फॉर्म मैंने क्या बोला, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। इसका मतलब क्या है, गैस्ट्रो का मतलब होता है हमारा स्टमक, मतलब हमारा पेट,
इंटेस्टाइनल का मतलब होता है हमारी आंत, मतलब छोटी आंत हो गई या फिर बड़ी आंत हो गई। तो गैस्ट्रो पेट का भी और इंटेस्टाइन दोनों का एग्जामिनेशन, दोनों को चेक किया जाता है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम तो नहीं है और यहाँ भी तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हम दोनों को चेक करते हैं इसमें। अब विद वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट, अब वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट में क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गैस्ट्रोग्रेफिन। इसका मतलब क्या है? गैस्ट्रोग्रेफिन का मतलब क्या होता है? इसमें पानी भी मिक्स होता है और इसमें कॉन्ट्रास्ट एजेंट एक पदार्थ है वो भी मिक्स होता है, जिसकी मदद से अंदर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आसानी से आपको दिख जाती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टमक को भी देखते हैं, स्टमक को भी चेक करते हैं और इंटेस्टाइन को भी हम चेक करते हैं। इसके बाद क्या है, फ्री एयर इन पेरिटोनियल कैविटी। अगर आपके आंत में छेद होगी तो आपके पेरिटोनियल कैविटी में हवा दिखाई देगी, अगर डॉक्टर चेक करते हैं तब। अब इसको पहले हम समझते हैं, अगर ये हमारे बॉडी का अंदर का पार्ट है, अब ये जो सभी पार्ट है ये ऐसे ही खुला तो नहीं है, इसके ऊपर से एक पतली सी झिल्ली होती है जो इन सभी को बंद करके रखती है। अब ये जो पतली सी झिल्ली है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम का ये पतला सा मेम्ब्रेन होता है और इसके बीच में खाली सा स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, खाली से स्पेस को हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है इसलिए हम कैविटी बोलते हैं। तो पेरिटोनियम की ये बनी होती है और उसके अंदर की जितनी भी खाली जगह होती है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। अगर यहाँ पे आंत में प्रॉब्लम है तो क्या होगा, हमें यहाँ पे हवा दिखाई देगी, क्योंकि ये आंत से अगर छेद है तो हवा फिर लीक होती है, तो जब हवा लीक होती है तो यहाँ पे हमें डायफ्राम के पास, मतलब अगर समझिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा पार्ट है हमारा और यहाँ पे लंग्स है, तो डायफ्राम के पास हमें हवा दिखाई देगी, हमें जो बाहर में हवा होती है वैसी हवा हमें यहाँ पे दिखाई देगी अगर आंत में छेद है तब। इसके बाद क्या होता है, एब्डोमिनल एक्सरे, मतलब इस वाले पोर्शन में जितना भी चीज है हम इन सभी का एक्सरे करते हैं और देखते हैं कि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सभी बातों को तो हमने सीख लिया, इसके बाद हम सीखते हैं कि अगर आपके छोटी आंत में प्रॉब्लम है तो हम ट्रीटमेंट या फिर हम मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम सर्जरी कर सकते हैं, तो सर्जरी किस तरह करेंगे, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर छोटी आंत में प्रॉब्लम है तो हम सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम सूचर्स कर सकते हैं, सूचर्स का मतलब होता है टांका देना, जैसे कि अगर आपका सर फट जाता है या फिर कहीं भी अगर आपका चोट लग जाता है और गहरा वहां पे बहुत कट जाता है तो क्या करते हैं, टांका देते हैं, उसको हम बोलते हैं सूचर्स। तो यहां पे हम दे सकते हैं वो, मतलब अगर छेद है और वो ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम वहां पे सूचर्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम ऑस्टमी कर सकते हैं, ऑस्टमी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर पेशेंट सर्जरी करवाने के उसका जो बॉडी है वो उसके लायक अभी तक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे ऑस्टमी बैग लगा देते हैं। ऑस्टमी बैग का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक पतला सा वाइट कलर का थैली होता है जिसमें वेस्ट जो कि छोटी आंत से आती है वो जमा होती है और जहाँ पे छेद होता है जस्ट उसके बाहर बॉडी के ऊपर से, मतलब समझिए कि ये छोटी आंत है तो उसके ऊपर से क्या है, हमारा पेट है और हमारा पेट इस तरह दिखता है, तो यहाँ पे बाहर से ही ये बैग लगा होगा, तो क्या होगा, सारा जो वेस्ट होगा, जो सारा जो मल होगा वो इस बैग में इकट्ठा होगा। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि पेशेंट अभी सर्जरी नहीं करवा सकता है, उसको अगर कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशंस है, कोई और प्रॉब्लम है और उसकी सर्जरी नहीं हो सकती है अभी, इस केस में हम ऑस्टमी करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहां पे हो जाए एम्पुला, हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर किसको हम बोलते हैं, अगर एम्पुला ऑफ वेटर में प्रॉब्लम हो, इसका मतलब क्या है, जहां से पैनक्रिया है इससे छोटी सी नली निकली है और लीवर है इससे छोटी सी नली, पहले वाले यानी कि छोटी आंत के ड्यूडनम को अगर जा करके मिलती है ये लीवर से और ये पैनक्रिया से और इधर से ड्यूडनम है, तो अगर जहाँ पे ये दोनों छोटी छोटी जो नली है वो मिलती है और फिर यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, तो इस वाले स्थान को, इस वाले प्लेस को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर हम बोलते हैं।
अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो हम बिलियरी स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है, पतला सा एक क्या होता है, पतला सा पाइप होता है, एकदम पतला सा छोटा सा, जो कि यहाँ पे हम लगा देते हैं, जिसके कारण जो पैनक्रिया से निकला हुआ जूस है और जो लीवर से निकला हुआ बाइल जूस है, बाइल जूस क्या करता है, खाने को पचाने का काम करता है, तो लीवर से भी एक जूस निकलता है जिसका नाम है बाइल जूस। तो लीवर से निकला हुआ जूस और पैनक्रिया के नली से निकला हुआ जूस क्या कहाँ जाएगा, ये जाएगा बिलियरी स्टेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने वो पतला सा पाइप लगा दिया है और उसके बाद फिर ये छोटी आंत में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम बिलियरी स्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एंडोस्कोपी की मदद से यहाँ पे छेद हो गई हो, अगर छोटी आंत में प्रॉब्लम हो गई हो, एंडोस्कोपी करने के दौरान छोटी आंत में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, अगर डॉक्टर चेक करने के लिए एंडोस्कोपी करते हैं और एंडोस्कोपी के माध्यम से बॉडी के पूरे अंदर को हम अच्छे से देखते हैं, उस टाइम उस दौरान अगर वहाँ पे उस एंडोस्कोप से चोट लग जाए, वहाँ पे अगर गहरा निशान हो जाए, तो वहाँ पे अगर छेद हो जाता है, तो उस दौरान क्या करेंगे, उसी टाइम हम उस पेशेंट की सर्जरी कर देंगे और उस छेद को बंद कर देंगे, अगर एंडोस्कोपी की मदद से ऐसा हुआ है। तो इस तरह हम मैनेजमेंट करते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन में। तो आप समझ गए होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन क्या है, किस कारण की वजह से ये होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं, और अगर लक्षण आ रहे हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही आप इस लेक्चर को फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।